अब डोमेन के लिए कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, हमें उसने क्या कहा है यहाँ पे, दिस इज अ रियल फंक्शन. रियल फंक्शन मींस एक्स कैन हैव एनी रियल वैल्यू. अब एक्स की मैं यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू पुट करूँ, फंक्शन इज डिफाइंड. नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये आपका इस फॉर्म में होता है तो हमें ये चेक करना पड़ता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका वन है, दैट इज अ नॉन जीरो. तो इट मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो डोमेन क्या आ गया इसका, ऑल रियल नंबर्स. नाउ वी आर टू चेक द रेंज. एक्स की जब आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे देन योर आंसर विल बी नेगेटिव, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है. इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज नेगेटिव तो मॉड के करके वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, बट ये आगे नेगेटिव साइन लगा है तो अगेन दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ नेगेटिव वैल्यू. यानी कि एक्स की चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो, योर रिजल्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. और एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो इट मींस जो रेंज आएगी वो आपकी क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो. ठीक है, ओपन इंटरवल में आप उसको लेके चलोगे. सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, therefore x belongs to R, x can have any value, so x is a real number, यानी कि domain is R and f of x is always negative for all values of x belonging to R. Therefore, the range is minus infinity to zero. Zero included लोगे, क्योंकि अगर आप x को zero put कर रहे हो तो that is equal to zero. So this range is minus infinity to zero. This is a square bracket. क्लियर है ये रीजंस इसके सारे. चलिए सेकंड पार्ट बताएंगे आप. अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर दूं बोर्ड इरेज हो गया नोट डाउन. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो एफ ऑफ एक्स आपका कब डिफाइंड होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स आपका कब डिफाइंड होगा. हाँ जी, जब वो जो आपका रूट के नीचे वाला नंबर है, इफ दैट विल नॉट बी नेगेटिव. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन इज डिफाइंड इफ रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ये नाइन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा. अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9. तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 मींस एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3. क्या आ जाएगा ये, एक्स लाइज बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री. अदरवाइज अगर ऐसे नहीं समझ आता तो यू कैन डू इट इन दिस वे ऑल्सो. यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 9 है, तो यू कैन राइट इट डाउन एज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0. दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0. अब आप क्या करोगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो. पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, माइनस 3 और इधर क्या ले लेंगे, माइनस 3 माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी. अब फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, फर्स्ट वाला ये मैंने बताया हुआ है ना पहले. अब लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि नेगेटिव वाले साइन को चेक करना है, तो दैट इज फ्रॉम माइनस 3 टू 3. तो चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख लो चाहे ऐसे लिख. x lies between minus 3 to 3 means interval क्या आएगा, domain क्या आएगा,
माइनस 3 to 3 इंक्लूडेड। अब डोमेन आ गया, नाउ वी आर टू फाइंड द रेंज। क्या करेंगे रेंज के लिए? जब आपको रेंज निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसको वाई एफ ऑफ एक्स को आप वाई पुट कर लोगे, तो यहां से आ जाएगा वाई इज इक्वल टू √9 - x² स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। रेंज निकालने के लिए हम इसको एक्स की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x², यहाँ से आ जाएगा x² इज इक्वल टू 9 - y², यानी कि x इज इक्वल टू √9 - y². अब क्या आएगा यहाँ पे? क्या होगा उससे? अब मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यूज बतानी है यहाँ पे। -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए अगेन y की वैल्यू भी, तभी ये आपका डिफाइंड होगा। तो दिस इंप्लाइज x is defined for y -3 to 3, but यहां हम क्या कह रहे हैं, y is greater than equal to 0, ठीक है? इसको 1 ले लो, यहां पे हमने y equal to ये put किया है, but from 1 √9 - y² is greater than 0, √9 - x² is greater than or equal to 0 implies y is greater than or equal to 0. इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, so from 2 and 3 y lies between 0 to 3. y belongs to 0 to 3. So this was your question number 2, part 2. इस तरह के क्वेश्चन एक जरूर आ जाता होता है, तो यू आर टू डू इट वेरी केयरफुल। नॉर्मली अगर डायरेक्ट हमने लिखना होता है तो यहाँ पे जो आपका होता है, जैसे 9 था, तो डोमेन जो है माइनस, इसके स्क्वायर रूट ले लो, -3 और +3 के बीच में वैल्यू आएगी डोमेन की, और रेंज जो है 0 to this number। मान लो मुझे आ जाता है यहाँ पे √16 - x², तो डोमेन क्या आएगा, -4 to 4 इंक्लूडेड है दोनों, और रेंज क्या आ जाएगी अगेन 0 to 4। अब नेक्स्ट, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ -3। सिंपल है, क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x - 5, f ऑफ जो भी वैल्यू निकालनी है x को उससे रिप्लेस कर दो। f ऑफ 0 क्या आएगा, -5, x को आप क्या पुट कर दोगे, 0। तो f ऑफ 0 इज 2 × 0 - 5, दैट इज -5। उसके बाद f ऑफ 7, 7 × 2 = 14 - 5 = 9। f ऑफ -3, -6 - 5 - 11। क्लियर? चलिए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज गिवन बाय टी ऑफ सी इक्वल टू 9c/5 + 32। आपने ये किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32। तो आपको अब F जो है वो मतलब जो इनका फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर था वो उन्होंने एज अ हमें फंक्शन बना के दे दिया, T ऑफ C इज इक्वल टू 9c/5 + 32। फाइंड टी ऑफ 0, टी ऑफ 0 मीन्स C को आप 0 पुट कर दोगे, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। C को 0 पुट करोगे तो T ऑफ C यानी कि T ऑफ 0 इज 32। देन T ऑफ 28, C को 28 पुट करोगे, क्या आएगा,
तो टी ऑफ 28। एट्टी 2.4। चलिए टी ऑफ माइनस 10 14। ठीक है, देन टी ऑफ द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इज 212। अब टी ऑफ सी को 212 पुट करो और सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। 9/5 c + 32, यहाँ से 9/5 c = 212 - 32, 180 आ गया ये। 180 = 9/5 c, 100 आंसर आ जाएगा आपका। तो c = 180 × 5/9, सो दिस इज 100। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इनमें हमने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। अच्छा, इन केस अगर इनका डोमेन भी पूछा होता तो, वैसे वो गिवन ही है, रियल नंबर्स 2 - 3x। अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या कहा, x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0, तो व्हाट विल बी द रेंज। x ग्रेटर देन 0 लेके चलोगे तो रेंज कैसे निकालोगे, अभी कैसे बताया था मैंने कैलकुलेट करना, f ऑफ x को क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे और उसको x की टर्म्स में लिखोगे। रेंज निकालने के लिए करो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 3x। Even this is your, not your maths period, बच्चे। Even this is not your maths period. Join your class. See your timetable. Even see your timetable. Which period you are having? And join accordingly, बेटे। चलिए next क्या आएगा step? यहाँ से x is equal to क्या आ गया? 2 - y / 3। अब वो क्या कह रहे हैं? x is greater than 0। x की value हमें उसने कहा कि greater than 0 है। So क्या आएगा result? हाँ जी? क्यों? अगर मैं y को माइनस में भी पुट करती हूँ तो y x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी ना, तब भी x की y की वैल्यू जब आपकी ग्रेटर देन 2 बनेगी तो आपका x नेगेटिव बन जाएगा। देखो, जब आपने इसको 0 लिया 2/3 पॉजिटिव है, 1 लिया 2 - 1/3 1/3 पॉजिटिव है, जब आपने इसको 2 लिया 0/3 अगेन पॉजिटिव ही काउंट होगा। तो जब आप इसको 4 लेके चलोगे y को, अब हम y की वैल्यूज देख रहे हैं x के कॉरेस्पॉन्डिंग, y की वैल्यू जब मैं 4 लूंगी तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। बट उसने मुझे क्या गिवन है, उसमें x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 तक मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ। 2 भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, ओपन इंटरवल में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेंज क्या आएगा, y की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, -∞ to 2, क्योंकि x जो है ग्रेटर देन 0 गिवन है मुझे, x इक्वल टू भी 0 नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे आपने क्या ले लेना था, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेना। समझ आया कि, दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो एक बार, हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2 - y / 3 गिवन है। ठीक है, इट मीन्स कि अब मुझे कंडीशन क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पुट करो, 2 - y / 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 उधर गया, 2 - y = 0, यानी कि y < 2। क्लियर?
या आप यहां से अगर टू को इधर लेके जाते हो, माइनस वाई इज ग्रेटर देन माइनस टू, क्या नहीं? एक्स ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू नहीं है साथ में, इक्वल टू होगा तो क्लोज आएगा। क्लियर है, ये समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। आर यू लिसनिंग टू मी? चलिए सेकंड पार्ट बताइए अब इसी तरीके से। एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स इज अ रियल नंबर। अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स इज अ रियल नंबर, चाहे आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हो चाहे आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हो, एक्स स्क्वायर विल गिव यू ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो क्या आएगा यहां से? हाँ जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू, एक्स रियल नंबर है तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। अब ये आपका रूट कब डिफाइंड है? व्हेन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, यस वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपका कब डिफाइंड है? व्हेन वाई माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो व्हाट विल बी द रेंज? 2 to infinity. Third part, f of x is equal to x. So simple है ये, y equal to x आ गया, x real number है तो y भी क्या आएगा? Real number. तो range में क्या आ जाएंगे? All real numbers. ठीक है? Clear? If you are having any doubt, you can ask. Otherwise, moving on to the next miscellaneous exercise now. इस वाले एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए अगले पे, पेज नंबर 46, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कंडीशंस दी हैं। यहाँ पे रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x लाइज बिटवीन 0 टू 3 एंड 3x x लाइज बिटवीन 3 टू 10। उसके बाद g ऑफ x गिवन है इसी तरीके से, x स्क्वायर x लाइज बिटवीन 0 टू 2 एंड x lies between 2 to 10 पे f of x आपको 3x given है। आपको चेक करना है, show that f is a function and g is not a function. सिंपल है, कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होगा? जब उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो, हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो वी से दैट इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट रिपीटिंग। तो हमने जो है g को फंक्शन नहीं शो करना, उसके लिए सिंपली हम क्या शो कर देंगे कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि एक प्री इमेज के लिए दो इमेजेस बन रही है, मोर देन वन इमेज बन रही है। अब देखो f of x, इसके हम लिखेंगे पॉइंट्स जो हैं। f of x गिवन है मुझे x lies between 0 to 3, दिस इज x स्क्वायर। इफ x lies between 0 to 3 and 3x when x lies between 3 to 10. अब देखो x lies between, जब उसने कहा कि 0 to 3 है और दूसरी तरफ वो कह रहा है 3 to 10 है, 0 to less than 3 के लिए मैं लेके चलती हूँ तो मेरे पास x square एक ही वैल्यू बनेगी, ठीक है? और जब मैं 3 लेके चल रही हूँ, x equal to 3 लेके चल रही हूँ, तो यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो दैट विल बी 9। यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर मैं x इक्वल टू 3 लेके चल रही हूँ तो y की वैल्यू विल बी 9। तो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दिस विल बी रिटन वंस इन द रिलेशन। तो क्या आपका रिलेशन बनेगा यहाँ पे f of x के क्या बनेंगे पॉइंट्स आपके? 0 पे 0, 1 पे 2 पे 3 पे, ओवर। अब अगेन 3x है 3 टू 10 पे, 3 9 हो गया, सेम वैल्यू आ रही थी तो दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, एक ही उसको पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट विल बी 4 12 5 15 6 18 7 21 एंड 8 24 9 27
एंड 10:30. सो नो एलिमेंट इज बीइंग रिपीटेड. फर्स्ट एलिमेंट एक ही है हर एक में आपका, कहीं पे भी कोई आपका रिपीट नहीं हो रहा. सो नाउ दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन. सिंस एवरी प्री इमेज इज हैविंग अ यूनिक इमेज, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन. Every pre-image has a unique image. So, f of x is a function. इसी तरीके से आप g of x निकालें. G of x हमें क्या गिवन है? X square when x lies between 0 to 2 and 3x when x lies between 2 to 10. ये हो गया note down. अब अगले के लिए क्या गिवन है? 2. चलो अब बताओ क्या आएगा. अब g of x हम यहां से निकाल लेंगे. 0 पे 0, 1 पे पूछना है कुछ? कोई डाउट है तो पूछ लो. 1 पे 1, 2 पे 4, अब यहां देखो 2 पे 6. थ्री पे 9, सेम आगे आ जाएंगी. 4 पे 12, 5 पे 15, 6 पे 18, 7 पे 21. बट यहां अगर मैं इन दो को देखूं तो 2 की दो इमेजेस हैं, एक 4 एक 6. सिंस एवरी प्री इमेज इज नॉट हैविंग अ यूनिक इमेज, so g of x is not a function. डन. चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है. करो अभी करो इसको. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बुक है बेटे सबके पास. f of x is equal to x square. You have to find the value of f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1. 1.1 f of 1.1 क्या आया? 1.21 minus f of 1 is 1. Again 1.1 minus 1 कितना आएगा? यार चलिए अब थर्ड क्वेश्चन ये ध्यान से करना. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. सबसे पहला काम हमने क्या करना है? इसके फैक्टर्स बनाने बनाइए. और फंक्शन आपका कब डिफाइंड होगा? व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाओ इसके. ये कर दो रेस. पूछना है कुछ पूरा बच्चे? एफ ऑफ एक्स मुझे एक्स स्क्वायर गिवन है ना, तो एक्स को 1.1 से रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ 1.1. तो 1.1 का स्क्वायर इज 1.21 माइनस एफ ऑफ 1. एक्स को 1 पुट करेंगे ये माइनस 1 आ गया अपॉन में ये आ गया. एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. ऊपर x की जो मर्जी वैल्यू हो जाए वो आपका फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा.
फैक्टर्स बना लो इसके। यानी कि x नॉट इक्वल टू 2 और 6 पे जो आपका फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, बाकी x की वैल्यू हर वैल्यू के लिए द फंक्शन इज डिफाइंड। सो इसका डोमेन आ गया आपका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, 6। नेक्स्ट रेंज फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालेंगे? नहीं, डोमेन ही पूछा था तो इट्स ओके। तो एक्स इज डिफाइंड, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। एक्सेप्ट 2 and 6। ठीक है, आपको हमेशा जब भी डोमेन निकालना है सबसे पहला काम ये करना है कि अगर कुछ डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है, उसके बाद हम न्यूमिरेटर को देखेंगे। अब न्यूमिरेटर में क्योंकि x की जो मर्जी वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फंक्शन आपका डिफाइंड रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। इसको बिल्कुल उस तरीके से करना है जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाला करवाया था, करो इसको। फंक्शन इज डिफाइंड इफ रूट एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर x माइनस 1 आपका ग्रेटर देन 0 होगा देन ओनली दिस रूट जो है वो डिफाइन होगा। अच्छा, एक चीज और आप देखोगे कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा उसमें रियल फंक्शन जरूर आपका मेंशन होगा। x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो डोमेन आ गया। वन टू इंफिनिटी। अब रेंज निकालो y इक्वल टू पुट करके। Put y equal to root x minus 1. So y square equal to x minus 1. यानी कि x is equal to y square plus 1. अब x आपका क्या है? That is greater than or equal to 1. x की वैल्यू 1 से ज्यादा 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से इंफिनिटी के बीच में। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? जीरो से। y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? हां जी, कहां? तो जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है? एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स आपका क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वन जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि वाई स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी। गॉट इट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। इसके बाद यहाँ हमने किया क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इट मींस y स्क्वायर प्लस 1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया।
y square जो है that is greater than equal to zero, यानी कि range is from zero to infinity. Zero close bracket लोगे आप. चलिए next, find the domain and range of the real function f of x is equal to mod of x minus one. डोमेन कोई भी रियल नंबर हो जाएगा क्योंकि हर एक्स की वैल्यू के लिए वो डिफाइंड है. रेंज ऑल पॉजिटिव क्योंकि मॉड की फॉर्म में है, तो एक्स नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो डोमेन आ गया आपका ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज आ गई जीरो टू इंफिनिटी. जीरो इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? इंक्लूडेड. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं इसका हिंट दे देती हूँ, नेक्स्ट का होगा नहीं है क्योंकि टाइम लेस है हमारा. ये कर दूं ही रेस इधर वाला. अब यहां ध्यान देना कि जो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, दैट इज गिवन इन द फॉर्म एफ इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो जब आपको इस फॉर्म में गिवन होता है तो इसको हम रीराइट कर लेते हैं. एफ जो है फंक्शन हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है. तो आपका ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को. तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. अब डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा. अब आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है. फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है. एक्स अगर हम उसके अकॉर्डिंगली देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन. स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नेवर इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर. तो हर एक्स की वैल्यू के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है. तो इट मीन्स कि जो डोमेन आएगा आपका दैट विल बी All real numbers, range बताइए. हाँ जी, जीरो टू इंफिनिटी बाय, क्योंकि x चाहे नेगेटिव है, x चाहे पॉजिटिव है, योर y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. क्या ये जीरो हो सकता है? कैन दिस बी इक्वल टू जीरो? वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है? कब? जीरो पे क्यों? जीरो अपॉन वन आएगा वो, ठीक है. तो जीरो इज इंक्लूडेड. सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो आप एक बार ट्राई कर लेना घर से, अदरवाइज वी विल डू टुमारो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द पार्ट्स यू कैन आस्क. सो फाइन, आई एम एंडिंग द मीटिंग एज द टाइम इज ओवर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.